बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर साइंस पार्ट वन। ये उस बुक का कवर है जो बुक हम इस्तेमाल करेंगे और इसके पब्लिशर हैं नेशनल बुक फाउंडेशन। बुक के चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे उसमें है चैप्टर वन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, चैप्टर टू में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर मेमोरी को, चैप्टर थ्री में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चैप्टर फोर में इनसाइड सिस्टम यूनिट, चैप्टर फाइव में नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, चैप्टर सिक्स में वायरलेस कम्युनिकेशन, चैप्टर सेवन में डाटाबेस फंडामेंटल और चैप्टर एट में डाटाबेस डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं चैप्टर वन से ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे वो इंक्लूड है करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर्स, मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टुडेज लाइफ, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जब ही हम कंप्यूटर के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा एज इनपुट, परफॉर्म ऑपरेशन एज प्रोसेसिंग ऑन डाटा एट वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। It is a programmable machine that executes a programmed list of instructions that it is provided. तो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो यूज़र से डाटा लेती है, उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है क्विकली और जो है ना उसका आउटपुट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह सिमिलरली कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, कंप्यूटर वही काम करेगी जो हम उसको प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे। कंप्यूटर कंपोज होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे, इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट डिवाइसेस से, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस से। सीपीयू इन सब में से मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। कंप्यूटिंग डिवाइसेस सारी मशीन्स जो भी अपने अंदर एम्बेडेड सिस्टम रखती हैं उसको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में डिजिटल वॉशिंग मशीन्स, डिजिटल माइक्रोवेव ओवन, एटीएम मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, सेल फोन्स, डिजिटल क्लॉक, तो ये सब चीज़ें एग्जांपल हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस की। फिर आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो जो भी कंप्यूटर होता है वो ये चार बेसिक ऑपरेशन ज़रूर परफॉर्म करता है। अगर वो ये ऑपरेशन परफॉर्म ना कर सके तो वो कंप्यूटर नहीं होता। सबसे पहला ऑपरेशन इनपुट ऑपरेशन, कि एक कंप्यूटर इस चीज़ का कैपेबल हो कि वो यूज़र से डाटा कलेक्ट कर सके। दूसरा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। और लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास आ जाता है कि जब हम डिफरेंट वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 less than 3 एंड 4 greater than 3, less than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, तो ये सब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तीसरा आउटपुट ऑपरेशन, के वो आउटपुट डिवाइस के ऊपर रिजल्ट सेंड करे। अब जो हमारे पास आउटपुट आ जाते हैं वो बेसिकली होते हैं दो तरीके के, एक को कहते हैं हम हार्ड कॉपी और एक हमारे पास सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी वो आउटपुट होती है जो ऑन पेपर और हार्ड आप जिसको हाथ लगा सकें वो हार्ड कॉपी होती है। जो भी आउटपुट हम सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और चौथा ऑपरेशन के राइटिंग डाटा टू अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव, के लेटर यूज़ के लिए उस डाटा को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर राइट कर देते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, सेवरल फैक्टर्स हैं जो कंप्यूटर को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाते हैं। दीज फैक्टर्स आर फिज़िकल साइज, कॉस्ट, स्पीड एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इन टू 4 categories, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बेसिकली सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जो इंसान ने इजाद किया है।
और इसका मेजरमेंट का यूनिट होता है बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जैसा कि हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं दूसरी डिवाइसेस की स्पीड को मेजर करने के लिए या उनकी पावर को मेजर करने के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज आर लार्जर मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर बट लेस पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर, के वो सुपर कंप्यूटर से लेस पावरफुल होते हैं लेकिन मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कोई भी मेन फ्रेम कंप्यूटर कैपेबल होता है ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट करने का, और वो एट ए टाइम थाउजेंड ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर्स, के वो माइक्रो कंप्यूटर से लार्जर होते हैं और मोर एक्सपेंसिव होते हैं। मिनी कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल इक्विपमेंट कैन यूजुअली फिट इन अ स्मॉल रूम, के यानी वो इतना साइज ले लेते हैं कि कम से कम उन्हें किसी रूम की ज़रूरत होती है रखने के लिए। मिनी कंप्यूटर एट ए टाइम हंड्रेड ऑफ यूज़र को सपोर्ट कर सकते हैं, और मिनी कंप्यूटर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को एग्जीक्यूट कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में सबसे छोटा और सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है, जिसे हम अपना पीसी कहते हैं। बेसिकली वो एक माइक्रो कंप्यूटर है। तो यह सब बेसिकली जो कमाल हुआ कि कंप्यूटर का साइज़ इतना रिड्यूस हो गया, ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के थ्रू हुआ। और एक मॉडर्न मिनी कंप्यूटर मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टुडेज़ लाइफ, मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर हमारी आजकल की ज़िंदगी में क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है, टू एक्सेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन एनी वेयर इन अ वायरलेस नेटवर्क सिस्टम, के कहीं से भी आप डाटा को और इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क सिस्टम में विद द यूज़ ऑफ मोबाइल कंप्यूटर्स। पॉपुलर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं टैबलेट पीसीज, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि टैबलेट के ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल हुई भी होती है, बेसिकली वो इसी की एक एप्लीकेशन है। और दूसरा हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये बेसिकली ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बिज़नेस की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली हम PDAs में हर तरह के चीज़ों की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, तो हम एफिशिएंटली बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड फिजिकल डिवाइसेस टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ कैन बी इक्विप्ड विद वायरलेस कनेक्टिविटी एंड एम्बेडेड विद सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कैमरास, माइक्रोफोन्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट इनेबल देम टू कलेक्ट एंड शेयर डाटा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की आज की दुनिया में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है अमेज़ॉन की एलेक्सा डिवाइस, के वो घर की सब चीज़ों को बेसिकली कंट्रोल कर सकती है, आपके घर के पानी से लेके कि पानी किस टेम्परेचर का होना चाहिए, आपके घर के डोर की ओपनिंग और क्लोज जब वो होता है, इन सब चीज़ों को एलेक्सा ऑपरेट कर सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग पे आ जाते हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास एक इंटरनेट बेस्ड फीचर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हैवी सॉफ्टवेयर्स को विदाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ हैवी सिस्टम्स एट आर लोकेशन, हम कंपनीज के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उन हैवी सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं और अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, हाई इंटरनेट स्पीड की। डाटा सेंटर, डाटा सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। इट कंसिस्ट ऑफ सर्वर्स, रूटर्स, स्विचेस एंड बैकअप
इक्विपमेंट बेसिकली डाटा सेंटर्स, आपने सुना होगा फेसबुक के भी डाटा सेंटर्स हैं, और ये डाटा सेंटर कोई एक नहीं होता, एक कंपनी के बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर्स होते हैं, हर कंट्री में अपने डाटा सेंटर्स होते हैं, फिर सब डाटा सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर जो है ना वो डाटा को डिस्ट्रीब्यूटेडली स्टोर किया जाता है। आपको नहीं मालूम कि आप यहाँ से बैठ के फेसबुक पे जब पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो किस डाटा सेंटर में जाकर कहाँ पर स्टोर होती है। तो बेसिकली डाटा सेंटर हमारे पास एक और ज़रिया है लार्ज या बिग डाटा को अपने पास स्टोर करने का। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूँ तो हार्डवेयर हर उस चीज़ को हम कह सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, या जिससे कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है हार्डवेयर की, हमारे पास मॉनिटर आ जाता है जिसमें हमारे पास सीपीयू खुद आ जाता है, जिसमें हमारे पास माउस आता है, कीबोर्ड आता है, वेबकैम और कई और डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं। वो कंप्यूटर को बताती हैं क्या परफॉर्म करना है। और बेसिकली हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशंस, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के वो क्या है। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कि वो कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑल्सो टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम, वो उन चीज़ों के ऊपर मुनहसर होता है कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो चंद मिसालें सिस्टम सॉफ्टवेयर की हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड ट्रांसलेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आजकल लेटेस्ट विंडोज़ है, विंडोज़ 10, इसके अलावा और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए हमारे पास लिनक्स, यूनिक्स वगैरह। तो आइए पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, के वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सच एज सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टास्क परफॉर्म करता है वो ये हैं कि एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज। जब भी हम कोई चीज़ सेव करते हैं या कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो ये कंप्यूटर की जिम्मेदारी होती है उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसको मेमोरी में स्टोर होने की जगह प्रोवाइड करना। मैनेजेस फाइल बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर फाइल एंड फोल्डर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। तो बेसिकली कंप्यूटर हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में फोल्डर सिस्टम में मेंटेन करता है। कोई भी तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि कोई आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, फॉर एग्जांपल गेम, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रिकेट 07 की, कि वो आपके पास मेमोरी के अंदर स्टोर है, उसको रैम के अंदर लेके आना और उसको एग्जीक्यूट करवाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, के हर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना और उनके साथ इंटरेक्ट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। अगली जिम्मेदारी मेंटेन सिक्योरिटी,
कि कंप्यूटर को हर तरीके के वायरस से बचा के रखना या किसी भी अटैक से बचा के रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जिम्मेदारी होती हैं। और आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन एंटीवायरसेस भी आते हैं। पुराने वक्त की अगर बात कर लें, जो चीज़ अभी भी इस्तेमाल होती है, तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फायरवॉल, कंट्रोल नेटवर्क ऑपरेशन। जितनी भी हम नेटवर्क के ऊपर सर्फिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, चीज़ों को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, इस चीज़ को लुक अवर करने में कंप्यूटर सिस्टम हमारी मदद करता है। और आखिरी के कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो प्रोवाइड करता है, वो एक खूबसूरत सा यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने में बहुत आसानी होती है। डिवाइस ड्राइवर्स, बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी डिवाइस को चलाते हैं। इसकी हम अगर मैं मिसाल ले लें, तो ड्राइवर की मिसाल इसी चीज़ की सी है कि अगर ड्राइवर गाड़ी में मौजूद ना हो, तो गाड़ी तो नहीं चल सकती। इसी तरह हम डिवाइस की भी एग्जांपल एक गाड़ी सी लेते हैं, कि जब तक कंप्यूटर में उसका ड्राइवर मौजूद नहीं होता, तो वो डिवाइस कंप्यूटर के साथ रन नहीं कर सकती। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमें कैपेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसकी चंद इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ हैं, जैसे कि डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज़, एंटीवायरस यूटिलिटी, फाइल मैनेजर, नेटवर्क यूटिलिटीज़ एंड यूटिलिटी टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर डिवाइसेस। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड ट्रांसलेटर्स के ऊपर, कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि कंप्यूटर जीरोस और वंस यानी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली हम जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते हैं, तो वो नॉर्मल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो उस चीज़ को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स। फर्दर हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स की तीन टाइप्स आ जाती हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर, बेसिकली असेंबलर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। और असेंबली लैंग्वेज हमारी किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है बेसिकली असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स जैसे हम कहते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो एट ए होल एट वन टाइम होल कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर एट वंस। इसी तरह इंटरप्रेटर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम के थ्रू रन होता है, और लाइन बाय लाइन वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हम मिसाल ऐसे लेते हैं कि जैसे नॉर्मली हम स्कूल एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, कि टीचर ने किसी बच्चे की कॉपी चेक होने के लिए ली है। अब टीचर जो है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ रही है चीज़ को और गलतियां मार्क आउट करती जा रही है, तो एट द एंड वो बच्चे को बुलाती है अपने पास और बताती है कि आपकी टोटल इस पैराग्राफ में या ऐसे में इतनी गलतियां हैं। तो बेसिकली यही काम कंपाइलर करता है हमारे पास, कि वो जैसे जैसे लाइंस के थ्रू गुजरता है, वो एरर्स को आइडेंटिफाई करता है और एट द एंड हमें बताता है कि टोटल हमने कितनी प्रोग्राम में मिस्टेक्स की हैं।
इसी तरह अगर इंटरप्रेटर की हम मिसाल लें, इंटरप्रेटर की मिसाल ऐसी है कि वही टीचर स्टूडेंट को बुलाए, एक लाइन पढ़े, उसके अंदर गलती मार्क करे और हर दफ़ा स्टूडेंट को बुलाए, फिर अगली लाइन पढ़े, फिर स्टूडेंट को उससे गलती मार्क करे, फिर स्टूडेंट को बुलाए, फिर अगली लाइन पढ़े। तो बेसिकली यही काम हमारे पास इंटरप्रेटर का होता है। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम में से लाइन बाय थ्रू, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करता है और जिस लाइन में जहाँ पर गलती होती है वो वहीं पे ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है और पहले हमें रिक्वेस्ट करता है कि उस एरर को सही करें, फिर फर्दर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसीलिए डिज़ाइन किए गए कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, मार्कशीट अलॉन्ग विद सम अदर स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट, ये इसकी एग्जाम्पल है। और चंद एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हैं: प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारी डेली रूटीन की वर्क को स्पीड अप करने में और रिपीटिटिव टास्क को एलिमिनेट करते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास एमएस ऑफिस का कंप्लीट सूट, जिसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, स्प्रेडशीट भी है हमारे पास, डाटाबेस मैनेजमेंट भी है। और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की एक और मिसाल है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बिजनेस सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने में हमारी मदद करते हैं। एग्जांपल ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर आर पेरोल, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड रिटेल सॉफ्टवेयर। तीसरा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो हम गेम्स खेलते हैं, ऑडियो प्लेयर एंड वीडियो प्लेयर, तो ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, वर्किंग ऑफ एन इंजन, सोलर सिस्टम, टाइपिंग, फॉरेन लैंग्वेज, म्यूजिक एंड सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एक्सेट्रा। अब इसकी वैसे तो बहुत सी मिसालें हैं जो नॉर्मली मैंने भी कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ देखा है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी मिसाल ऑलमोस्ट यूज़र इस्तेमाल करते हैं वो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।